जय यीशु, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन का दूसरा रविवार है आज। मुझे याद है जब मैं के आर स्कूल बेतिया में पढ़ रहा था, 1980 की बात। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का आगमन होने वाला था बेतिया में। बेतिया में एक बहुत बड़ा मैदान है जिसे रमना मैदान कहा जाता है, काफी बड़ा। उसी में उनका स्वागत होने वाला था। लोगों में उत्साह, हर प्रकार से लोग तैयारियां कर रहे थे। पूरे मैदान को झंडों से, भारत के झंडे से भर दिया गया था। उनका आगमन 2 बजे होने वाला था, हेलीकॉप्टर से आने वाली थी। हम सब बच्चे थे उस समय, उत्साह से भरे थे। पूरे स्कूल से हम लोगों को रमना मैदान ले जाया गया था। करीब 2 घंटों तक हम इंतजार करते रहे, 2 घंटे इंतजार। कड़ी धूप थी, उस धूप में भी पसीने चू रहे थे, लेकिन हम इंतजार में देख रहे थे जिस तरफ से उनका काफिला आने वाला था। दूर तक हमारी नजरें फैली हुई थी, कब आएंगी, कब आएंगी। और जैसे ही हमको सूचित किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी का आगमन हो गया है, वे आ रही हैं, हम सब बच्चे जो थक गए थे 2 घंटे इंतजार करते करते, एक बार फिर उछल पड़े। सबके चेहरे पे आनंद दिखने लगा। भाइयों बहनों, जब इंदिरा गांधी आई थी, पहली बार मैंने उनको देखा था रमना मैदान में, मेरे दिल में भी बहुत खुशी हुई। अपने प्रधानमंत्री को हम लोगों ने साक्षात देखा, और हमारी बगल से ही वे गुजरी और हम सबों को अपना हाथ दिखाया था। आज भी वह दृश्य मेरे मानस पटल पर अंकित है। वो खुशी जब किसी के आने के इंतजार में होता है, और जब उस व्यक्ति से हमारा साक्षात्कार होता है, तब जो खुशी मिलती है वो अकथनीय खुशी होती है। आज का संदेश वही है। नबी बारूक के ग्रंथ से पहला पाठ हम लोग सुने हैं, उसमें कहते हैं, हे यरूशलेम, अपने शोक और संताप के वस्त्र उतार दो, महिमा का सौंदर्य धारण करो, अपने सिर पर प्रभु का दिया हुआ गौरव मुकुट धारण करो, उठ खड़ा हो जाओ, जो पर्वत पर जाकर चढ़ो और दृष्टि लगाओ, देख प्रभु की आज्ञा से तेरे पुत्र पुत्रियां पश्चिम से और पूर्व से आ रहे हैं। वही है प्रभु का संदेश। हम सब तैयारी करते हैं, इंतजार करते हैं, आशा लगाए बैठते रहते हैं। जब प्रभु आते हैं, कितनी खुशी हमारे दिल में होती है। वही खुशी आज हमारे दिल में होनी चाहिए। प्रभु आ रहे हैं, हमारे बीच हैं, हमको सिर्फ उनको पहचानना है, अपने सिर पर मुकुट धारण करना है, आनंद का, उल्लास का। यह तब संभव होगा जब हम आज्ञाकारी बने रहेंगे। और इसीलिए दूसरे पाठ में संत पॉल हमको याद दिलाते हैं, फिलिपियों के नाम संदेश में अपने पत्र में लिखते हैं संत पॉल, मैं हमेशा अपनी हर प्रार्थना में आनंद के साथ आप सबों के लिए विनती करता हूं। संत पॉल विनती करते हैं हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और हम विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। यह हम सबों के लिए आनंद की बात है। चाहे हम जिस परिस्थिति में भी हों, हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद जरूर दे सकते हैं। किन चीजों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्या किया है ईश्वर ने हमारे लिए, ये सवाल उठ सकते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने बीते जीवन पर झांक कर देखें, आपको पता चलेगा ईश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए बहुत काम किए हैं, महान कार्य किए हैं। और वही बात माता मरियम ने कहा था। उन्होंने कहा, ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए
अपूर्व कार्य किए हैं, धन्य है उसका नाम। भाई और बहनों, हम लोगों को भी वही कहने की आवश्यकता है। हर एक घटना जो हमारे जीवन में घटी है ईश्वर की योजना से घटी है। हम शायद उसे पहचान न पाए, हम शायद उसे स्वीकार न कर पाए, लेकिन ईश्वर की योजना पूरी होती है। और वही बात आज संत पॉल हमको बता रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है। किस बात का विश्वास है? यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए पूर्णता तक हमको पहुंचा देंगे। ईश्वर की आशीष और कृपा हमको मिलेगी। हम जब तैयारी करते हैं ईश्वर हमको कृपा देते हैं, और वो आशा हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी आशा को आगे बढ़ाने के लिए आज का सुसमाचार हमको संदेश दे रहा है। पहली बार संत योहन बपतिस्मा दाता का जिक्र आया है आगमन के काल में। योहन बपतिस्मा दाता, जिन्होंने निर्जन प्रदेश में प्रभु की आवाज सुनी, आज संत लूका सुसमाचार में कहते हैं, उस समय जखरियस के पुत्र योहन को निर्जन प्रदेश में प्रभु की आवाज सुनाई दी। वह यर्दन के पास समस्त प्रदेश में घूम घूम कर उपदेश देने लगा। पश्चाताप का उपदेश दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तुम्हारा जीवन गलत मार्ग पर चल रहा है, अभी समय है, अभी वक्त है, वापस आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु तुम्हारा आलिंगन करने को तैयार है, तत्पर है, इंतजार कर रहे हैं, फिर तुम क्यों देर कर रहे हो, आ जाओ, वापस आ जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, वो निर्जन प्रदेश में जो योहन की पुकार थी, वो आज हम में से हर एक व्यक्ति के दिल में गूंजनी चाहिए। वो आवाज हमारे लिए एक चुनौती बन जाए। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। क्या हम प्रभु का मार्ग तैयार कर रहे हैं अपने अपने दिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज में, ताकि प्रभु का आगमन हो सके? हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ पहाड़ी समतल कर दिए जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे। ये हुई तैयारी। हमारे जीवन में बहुत प्रकार के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रकार की घाटियां हैं, हमारे जीवन में बहुत प्रकार से पहाड़ उग आए हैं। क्या हम उनसे संतुष्ट हैं? आज प्रभु हमको बुला रहे हैं, आज प्रभु हमको चेतावनी दे रहे हैं, आज प्रभु हमको चुनौती दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमको कृपा प्रदान कर रहे हैं कि हम इन घाटियों को, इन पहाड़ियों को, इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों को देख सके, पहचान सके, अपनी कमजोरियों को देख सके, महसूस कर सके, और आगमन में प्रभु का इंतजार करें। प्रभु जरूर आएंगे, और जब प्रभु आएंगे तब हमारे हृदय को समतल बना देंगे, हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे, ताकि उनका जन्म हो सके हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में। कितनी खुशी की बात है। आइए आगमन के इस काल में हम अपने को तैयार करें, और प्रभु हमको वो खुशी प्रदान करेंगे जब उनका जन्म होगा उस गौशाले में, जब उनसे हमें हमारी नजरें मिलेगी, तब प्रभु हमको देखेंगे और कहेंगे, तुमको शांति मिले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।